आज हम बनाएंगे बेल का जूस और बेलोपोना। आज हम इसको एक बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इधर एक बड़ा सा कंटेनर ली हूँ और कंटेनर के ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और स्ट्रेनर के ऊपर ऐसे बेल रख के इसको फोड़ देंगे चारों तरफ से और एक स्पून के मदद से सारा बेल निकाल देंगे। आप चाहो तो ग्राइंड कर सकते हो, बट ग्राइंड करने से इसका सीड भी ग्राइंड हो जाएगा तो एक कड़वा टेस्ट आएगा। और मैं इधर अभी एक जग पानी डालूंगी और सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर दूंगी। अगर आप इसको और भी गाढ़ा रखना चाहते हो तो पानी का इस्तेमाल कम कीजिए, आपके स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हो। मिक्स होने के बाद आप का जो रेशा और बीज है वो ऐसे ऊपर रह जाएगा और जूस सारा नीचे रह जाएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। बेल ऐसे नेचुरली मीठा रहता है, अगर आपको और मिठास का ज़रूरत हो तो आप स्वाद अनुसार चीनी या गुड़ डाल सकते हो, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाली हूँ। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हमारा बेल का जूस रेडी है, तो इसको और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं इधर 2 चम्मच दही और 2 चम्मच नारियल डाली हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अभी बेल का सीजन है तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।